अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी मेजबान इकरा ज़ैनब। आज मैं आपको दुश्मन पर लड़ाई करने वाले और 1971 की जंग में निशाने हैदर हासिल करने वाले छठे बहादुर सपूत मेजर शबीर शरीफ के बारे में बताने वाली हूँ। मगर उससे कबल, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और फौरन से बेशतर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद 28 अप्रैल 1943 को पंजाब के जिले गुजरात के एक कस्बे कुंजा में पैदा हुए। उन्होंने लाहौर के स्कूल सेंट एंथनी से ओ लेवल का इम्तिहान पास किया। इसी दौरान गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते हुए इन्हें पाक फौजी दरसगाह काकुल से आर्मी में शमूलियत का इजाजत नामा मिला। उन्होंने 1964 में 21 साल की उम्र में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। आप शुरू से ही वतन अजीज पर जान कुर्बान करने का जज्बा रखते थे। मेजर शब्बीर शरीफ को बतौर कैडेट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से एजाजी शमशीर से नवाजा गया। पाक भारत 1965 की मार्के में आपने पाक फौज में बहसियत सेकंड लेफ्टिनेंट अपनी खिदमात सरंजाम दी और जंग में बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया, जिस पर इन्हें सितारे जुरत से नवाजा गया। उस वक्त आपकी उम्र महज 22 साल थी। लिहाजा 1971 की पाक भारत जंग में यही अजमो हौसला काम आया जब मेजर शब्बीर शरीफ शहीद 3 दिसंबर 1971 को सुलेमान के सेक्टर पर फ्रंटियर रेजिमेंट की एक कंपनी की कमांड कर रहे थे और उन्हें एक ऊंचे पंथ पर कब्जा करने का टारगेट दिया गया था। मेजर शब्बीर शरीफ को इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए पहले दुश्मन की बारूदी सुरंगों के इलाके से गुजरना था और फिर 100 फुट चौड़ी और 18 फुट गहरी एक दिफाई नहर को तैर कर अपूर करना था। दुश्मन के तोपखाने की शदीद गोलाबारी के बावजूद मेजर शब्बीर शरीफ ने ये मुश्किल मरहला तय किया। चुनाचे 3 दिसंबर की शाम तक वो दुश्मन को उसकी किला बंदियों से बाहर निकालने में कामयाब हुए और दुश्मन पर सामने से टूट पड़े। अगर देखा जाए तो 1971 की जंग में मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन को एक नहीं बल्कि कई मौके पर पीछे हटने पर मजबूर किया। 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी गुमसान रात की जंग में मेजर शब्बीर शरीफ ने भारत की 4 जहाट रेजिमेंट के कंपनी कमांडर मेजर नारायण को ललकारा। 10-10 लड़ाई में उसे हलाक किया और अहम दस्तावेजात अपने कब्जे में ले ली। गोया उस रात पाक फौज की 6 FF रेजिमेंट ने भारतीय फौज को तहस नहस कर डाला। यही नहीं, उन्होंने दुश्मन की फौजियों और टैंकों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। चुनाचे 6 दिसंबर की ही दोपहर को दुश्मन के एक और हमले का बहादुरी से दिफा करते हुए मेजर शब्बीर शरीफ अपने तोपची की एंटी एयरक्राफ्ट गन से दुश्मन के टैंकों पर जब गोलाबारी कर रहे थे, इसी दौरान दुश्मन के टैंक का गोला इन्हें आ लगा और वो जामे शहादत नोश कर गए। मेजर शब्बीर शरीफ को इनकी बहादुरी और शुजात के इतराफ में पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। याद रहे कि मेजर शब्बीर शरीफ साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के बड़े भाई और मेजर अजीज भट्टी शहीद के भांजे भी हैं। मेजर शब्बीर शरीफ पाक फौज के वो वाहिद ऑफिसर हैं जिन्हें 2 एजाज यानी सितारा जुर्रत और निशान हैदर से नवाजा गया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। मुल्क के बड़े रकबे को पानी फराहम करने वाले बंद हेड सुलेमान की परहिफाजत के दौरान आपने महज 28 साल की उम्र में शहादत पाई। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को मयानी साहब कब्रिस्तान में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया गया। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको निशाने हैदर पर मुश्तमिल इस सीरीज की ये किश्त पसंद आई होगी। आप अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में भी आगाह कर सकते हैं। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगी। आपसे दुआओं की तलबगार हूं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। फी ईमान अल्लाह।